हे hey फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ये मोटरोला G52 का। ये कुछ इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग में आता है। ये फोन मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा है मेरे ओल्ड फोन के एक्सचेंज में, और उस पर मुझे सिर्फ 7,278 रुपीज पे करने पड़े। इस फोन को डिलीवर होने में पूरे 5 दिन लग गए, और मेरे ओल्ड फोन में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने क्या क्या मिस्टेक्स निकाल के उसकी एक्सचेंज वैल्यू को कम किया, ये भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और अब और टाइम नहीं वेस्ट करते और जल्दी से ओपन कर लेते हैं इसके बॉक्स को। और ये है मोटो G52। इसमें है 16.64 सेंटीमीटर का फुल HD OLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर, और ये सपोर्ट करता है 30 वॉट फास्ट चार्जिंग 5000 mAh बैटरी के साथ। ये फोन आता है ट्रांसपेरेंट बैक कवर के साथ और व्हाइट कलर में। ये फोन बहुत ही ज्यादा प्रीमियम दिखाई देता है, ये एक बजट फोन बिल्कुल नहीं लगता। फोन को रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या है। ये इसकी USB टाइप सी टू USB टाइप ए चार्जिंग केबल, और उसी के साथ है 30 वॉट का फास्ट चार्जर। इस एनवेलप को भी खोल के देख लेते हैं इसमें क्या है। ओके, तो इसमें है ये कुछ यूजर मैनुअल्स और इंस्ट्रक्शंस, और ये सिम इजेक्टर ट्यूब। इस पर लगे इस प्रोटेक्टिव प्लास्टिक को हटा लेते हैं। ये है एक हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट, इसमें एक सिम और एक SD कार्ड हम यूज कर पाएंगे, या फिर इसे एज ए ड्यूल सिम फोन भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने एक सिम कार्ड और माइक्रो SD कार्ड इंसर्ट कर लिया है। अब इसे कर लेते हैं पावर ऑन। फोन पावर ऑन हो गया है, अभी जल्दी से इसमें साइन इन कर लेता हूँ। इसमें एक सिस्टम अपडेट भी आ रखा है, इसे जल्दी से अपडेट कर लेते हैं। इसका सॉफ्टवेयर अपडेट बैकग्राउंड में डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम इसका यूजर इंटरफेस देख लेते हैं। इसमें लगभग स्टॉक एंड्रॉइड जैसा यूजर इंटरफेस आता है, जिसमें मोटोरोला ने ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किया है। इसमें कुछ ऐप प्री इंस्टॉल्ड भी आते हैं, जैसे कि फेसबुक, जोश ऐप या फिर टेली हंट, लेकिन इन्हें आप बड़े आसानी से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं या फिर डिसेबल कर सकते हैं। इसके लगभग सारे ऐप्स के लिए गूगल प्ले स्टोर में सॉफ्टवेयर अपडेट पेंडिंग है, तो मैं इन सारे ऐप्स को अपडेट कर लेता हूँ। जब तक इसका सॉफ्टवेयर अपडेट और ऐप्स अपडेट कंप्लीट होता है, तब तक हम इसकी डिजाइन देख लेते हैं। इसके राइट साइड में है पावर बटन, और उसी पर लगा हुआ है फिंगरप्रिंट स्कैनर, और उसके ऊपर है वॉल्यूम अप एंड डाउन की। और इस फोन की एजेस है शाइनी क्रोम फिनिश में, और इसके लेफ्ट साइड में है सिम का ट्रे, बॉटम में है हेडफोन जैक, माइक्रोफोन, USB टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल, और ऊपर की साइड में है सेकेंडरी माइक्रोफोन और एक और स्पीकर स्टीरियो साउंड के लिए। और पीछे की साइड है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, और सेकेंड कैमरा है 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, और थर्ड कैमरा है 2 मेगापिक्सल माइक्रो सेंसर। और इस फोन के सामने की तरफ है 6.6 इंच का POLED FHD प्लस डिस्प्ले, जिसमें है 90Hz का रिफ्रेश रेट। और इस डिस्प्ले के ऊपर की तरफ है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इस फोन के बेजल्स बहुत ही पतले हैं, और बॉटम वाले बेजल भी ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है। One eternity later. इस फोन को यूज करते हुए मुझे 1 हफ्ते का टाइम हो गया है, और अब मैं इसे करूंगा रिव्यू। शुरू में ये फोन थोड़ा लैगी था, लेकिन इसके सारे अनवांटेड एप्स अनइंस्टॉल करने के बाद और सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद ये फोन अब बिल्कुल भी लैग नहीं करता। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत स्मूथ है, इसमें बहुत ही तेजी से स्क्रोलिंग करने पर भी जरा भी लैग फील नहीं होता, और सारे ट्रांजेक्शन बहुत ही स्मूथ दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें 90Hz का डिस्प्ले लगा है। ये बाय डिफॉल्ट ऑटो पे सेट होता है, आपको सेटिंग्स में जाके इसे 90Hz पे सेट करना होगा। ये फोन एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन के साथ आता है, जो कि है एंड्रॉयड 12, और मोटरोला ने इसमें एंड्रॉयड 13 का अपडेट भी प्रॉमिस किया है। इसमें रैम बूस्ट फीचर बहुत ही अच्छा है, जिसे ऑन करने से 4GB रैम 5GB रैम में कन्वर्ट हो जाता है।
ये सिस्टम मेमोरी में से 1 GB रैम के लिए यूज कर लेता है। और इसमें है ये मोटो ऐप, इससे हम इस फोन के सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं और थीम्स को कस्टमाइज करके पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। इसमें ऐप आइकॉन शेप भी आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज करने का ऑप्शन भी इसमें है, और इसमें काफी सारे थीम्स और वॉलपेपर्स के भी ऑप्शन हैं। आप बहुत सारे तरीके से इस फोन को कस्टमाइज कर सकते हैं। और उसी के साथ इसमें मोटोरोला के जेस्चर्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि ये क्विक कैप्चर जिसमें फोन को ट्विस्ट करते ही कैमरा ऐप चालू हो जाता है, या फिर ये चॉपिंग मोशन जिसमें टॉर्च ऑन हो जाता है। मुझे इस फोन की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। इसमें OLED पैनल होने के कारण इसमें कलर बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं और ब्लैक एकदम ब्लैक ही दिखाई देता है। इसमें आप मैक्सिमम 1080p तक के ही वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इसमें लगा प्रोसेसर उतना कैपेबल नहीं है। इस फोन के स्पीकर की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और ये Dolby Atmos को सपोर्ट करता है, और इसमें ड्यूल स्पीकर होने के कारण ये बहुत ज्यादा लाउड भी है। सो ये है एक ऑडियो सैंपल। मैं इस फोन में गेमिंग तो रेकमेंड नहीं करता, लेकिन कैजुअल गेम्स इस फोन में बड़े ही स्मूथ चलते हैं, जैसे कि सबवे सर्फर्स। और इसमें ये ट्रैफिक राइडर गेम भी प्लेएबल है। और इसमें Asphalt 9 भी प्लेएबल है हाई ग्राफिक सेटिंग में। इस फोन में मल्टीटास्किंग भी बड़े आराम से होती है, आप एट अ टाइम 3-4 ऐप्स भी इसमें यूज कर सकते हो। इस फोन में आपको सारे जरूरी सेंसर्स मिल जाएंगे, और इस फोन में NFC भी अवेलेबल है। इस फोन की बैटरी लाइफ पूरे दिन तक आराम से टिकती है, और इसका फास्ट चार्जर इसे बस आधे घंटे में ही 50% तक चार्ज कर लेता है। और ये है पीक डिस्प्ले जो स्क्रीन ऑफ होने पे नोटिफिकेशन शो करता है, और क्लॉक भी। इस फोन का डिस्प्ले डायरेक्ट सनलाइट में भी काफी ज्यादा विजिबल है, हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में भी बड़े आराम से यूज कर सकते हैं बिना किसी विजिबिलिटी इशू के। अब इस फोन के कैमरास को भी रिव्यू कर लेते हैं। इसमें स्लो मोशन कैमरा का भी ऑप्शन है और वीडियो का ऑप्शन है, इसमें आप मैक्सिमम 1080p तक के ही वीडियो कैप्चर कर सकते हो। और यह है फोटो कैमरा जिसमें कई सारे फिल्टर्स भी दे रखे हैं, और इसमें है पोर्ट्रेट मोड, और यह है प्रो कैमरा मोड जिसमें आप इसके अपर्चर, वाइट बैलेंस और ISO चेंज कर सकते हैं, और ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यह है इसके कुछ और कैमरा फीचर्स जिसमें पैनोरामा, ग्रुप सेल्फी, स्पॉट कलर, नाइट विजन, सिनेमाग्राफ, ड्यूअल कैप्चर, टाइम लैप्स, ऐसे कुछ फीचर हैं। तो यह है इसके कुछ फोटो सैंपल्स। ये फ़ोन जिस बजट में आता है उस हिसाब से इसकी कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है। इस फोन का कैमरा आउटडोर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, और इस बजट में मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करता। और ये है सेल्फी पोर्ट्रेट मोड में, इसके सेल्फी कैमरे का एज डिटेक्शन काफ़ी कमाल का है। और ये है इसका वीडियो सैंपल जिसमें मैंने साउंड भी रिकॉर्ड किया है, और इसके माइक्रोफोन की क्लियरिटी भी आप इसमें सुन सकते हैं। यह है एक इंडोर सेल्फी,
और ये फोटो इस फोन के माइक्रो कैमरा से खींचे हुए हैं। इस फोन के कैमरा की इंडोर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये आउटडोर में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये फ़ोन एक 4G फ़ोन है, इसमें 5G का सपोर्ट मोटरोला ने नहीं दिया है। इस फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है और इसकी कैमरा क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। मुझे बस ये 3 कमियां लगी जो इस फ़ोन में हैं। लेकिन इस फ़ोन के दूसरे फीचर्स और प्राइस को देखें तो ये हम इजीली इग्नोर कर सकते हैं। इसका 64GB वाला वेरिएंट 4GB रैम के साथ 14,499 रुपये में फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और इसका 128GB वेरिएंट 6GB रैम के साथ 16,499 रुपये में फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। और इन फोन्स के परचेज पर इंस्टेंट 1000 रुपीस का कैशबैक भी मिलता है। लेकिन इसे मैंने मेरे ओल्ड फ़ोन के रिप्लेसमेंट में ख़रीदा है, जो कि है ओप्पो A52। ये फ़ोन बहुत ही अच्छे कंडीशन में था और इसे मैंने ख़रीदा था 12,990 रुपये में 7 नवंबर 2020 में। इस फ़ोन के एक्सचेंज में फ्लिपकार्ट ने मुझे 8,500 रुपये ऑफ़र किए, जो कि लगभग 2 साल पुराने फ़ोन के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र है। डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को इस फ़ोन में कोई कमी नहीं मिल पाई, बस एक चीज़ को छोड़ के, और वो है ये येलो स्पॉट जो मिटाने से भी नहीं जा रहा था। और उसने यंत्रा ऐप में इसे एज ए टेंट दिखाकर इस फ़ोन की वैल्यू 1,250 रुपये से कम कर दी। तो ये है मोटो G52 का ऑर्डर समरी। यहाँ पर बॉटम में आप देख सकते हैं 6,028 रुपये मैंने शुरुआत में पे किए थे फ्लिपकार्ट पे लेटर से, और मेरे ओल्ड फ़ोन के क्वालिटी चेक के बाद जो डिफरेंस अमाउंट आया 1,250 रुपये, वो एज ए कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पर शो कर रहा है। मेरे ओल्ड डिवाइस की एक्सचेंज वैल्यू यहाँ पर 7,350 दिखाई दे रही है और मैंने टोटल अमाउंट 7,278 रुपीज़ पे किए। जिनको एक सेकेंडरी एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत है उनके लिए ये फ़ोन बहुत ही बेस्ट चॉइस है, और पेरेंट्स के लिए अगर कोई फ़ोन चाहिए तो ये फ़ोन सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके मल्टीमीडिया फीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। और जिनको ये फ़ोन एज अ प्राइमरी फ़ोन यूज़ करना है वो इसके हायर वेरिएंट की ओर जाए, जो कि 128GB स्टोरेज और 6GB रैम के साथ आता है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस मोटोरोला G52 के साथ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।